नमस्कार, द लिटल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपनव रस्तोगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में आपराधिक कानून से जुड़े 3 नए बिल पेश किए। लोकसभा से भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई है। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1858 और भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संसद में विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सन 1860 में बनने वाली भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। ये कानून अंग्रेजों की ओर से अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, जो एक गुलाम प्रजा पर शासन करने वाले कानून थे। अब इनकी जगह ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारे संविधान की 3 मूल चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के आधार पर बनाए गए हैं। आइए पहले आपको बताते हैं कि पुराने कानूनों की जगह लेने वाले नए कानून कौन से हैं। भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। CRPC 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। भारतीय साक्ष्य कानून 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। इन तीनों बिल में नया क्या है और कितनी सजा होगी ये भी जान लीजिए। 3 दिन के अंदर दर्ज करनी होगी FIR। अभी तक CRPC में किसी शिकायत पर एक्शन का कोई समय निर्धारित नहीं था। आप कोई शिकायत देते थे तो पुलिस उस पर 10 साल बाद भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। राजद्रोह कानून समाप्त, देशद्रोह होगा लागू। अब राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, उसकी जगह देशद्रोह का कानून लाया गया है। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। आतंकवाद को किया गया परिभाषित। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालकर भय फैलाने का काम करेगा उसे आतंकवादी माना जाएगा, इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग से रेप पर मिलेगी फांसी। 18 साल से कम की पीड़िता या बच्ची के साथ रेप में आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। आवास पर दर्ज होंगे पीड़िता के बयान। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। पीड़िता का बयान उनके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य। 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अब अनिवार्य कर दिया गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। बहरहाल हिट एंड रन केस में अब 10 साल की सजा मिलेगी। पुलिस की जवाबदेही होगी तय। नए कानून में अब पुलिस की जवाबदेही भी तय होगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई भी गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। जांच और केस के विभिन्न चरणों की जानकारी पीड़ित और परिवार को देने के लिए कई पॉइंट जोड़े गए हैं। आरोप स्वीकार कर लेने पर होगी कम सजा। अब आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर ही आरोपी आरोप स्वीकार कर लेगा तो उसे कम सजा दी जाएगी, उसके बाद सजा कम नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। माननीय, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। माननीय, कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को
गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना करकर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष, एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो।